जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी WhatsApp बैन हो गई है तो उसको किस तरह से अनबैन किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, अपनी WhatsApp को ओपन करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मेरी भी WhatsApp बैन हो गई है, तो मैं किस तरह इसको अनबैन किया जाएगा, क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना नंबर टाइप करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर टाइप करता हूँ। तो मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी तरफ से जो मैसेज है वो आ जाएगा कि आपका नंबर बैन है। तो अभी देख सकते हैं, यूर फोन नंबर इज बैंड फ्राम यूजिंग व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर हेल्प। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आपका व्हाट्सएप नंबर बैन है। तो मेरा नंबर किस तरह से बैन हो, मेरा नंबर असल में मैं लिंक शेयर करता तो इसलिए बैन हो गया YouTube के। तो मैं अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, सपोर्ट पर क्लिक करना है। सपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब यूर प्रॉब्लम, तो कुछ इस तरह से जो है स्क्रीन शॉट भी हैं। आपने क्या करना है, पीछे जाना है, यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि आपका व्हाट्सएप नंबर बैन है, तो इसका आपने स्क्रीन शॉट लेना है। तो अभी ये देख सकते हैं, आइए आज का मैं आप इसका स्क्रीन शॉट लूँगा। तो मैं इसका स्क्रीन शॉट यहाँ से लेता हूँ। तो इसका स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया। अब आपने सपोर्ट पे क्लिक करना है। सपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्लस के निशान है, ऐड स्क्रीन शॉट पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन शॉट जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा स्क्रीन शॉट है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने अपने, तो यहाँ पर मैं अपना जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है माई मोबाइल नंबर, डियर टीम माई मोबाइल नंबर जो हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाई व्हाट्सअप कंपनी, आई वॉन्ट टू लॉग इन अगेन ऑन व्हाट्सअप बिकॉज इट्स माई मेन नंबर, प्लीज़ रिसोल्व दिस इशू, थैंक यू। तो ये जो मैंने लिखा है टाइप किया, ये आप डिस्क्रिप्शन में मेरी से वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैंने ये जो यहाँ पर लिखा है आपने, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। आप वहाँ से इसे उठा कर इसको इसी तरह सेम टू सेम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेना है। इसमें जो मेरा मोबाइल नंबर है इसको कट कर देना है, और अपना मोबाइल नंबर जो वो है वह टाइप करके इसको आगे आपने कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट पे है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जीमेल के ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने पहले यहाँ पर लिखना है दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ईमेल करनी है। तो आप हम अपने जीमेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जीमेल ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ आपने चेंजिंग करनी हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सेंड कर दें। बस सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये मसला आपका जो है तकरीबन 10 दिन भी लग सकते हैं, या 8 दिन या 5 दिन, ऑटोमेटिक ये आपकी व्हाट्सएप ऑन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका अगर आपने जो मैंने लिखा है इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको टाइप कर दिया, वहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। तो खुदा हाफिज़।